बड़े ने मारा कि क्या तावील है, वो कहते हैं सबब तो वही बनाना, सबब तो बनाना, इसलिए तो पूरा दिन मशगूल हो गया ना। जो हमारे पास कुरान है, ये कुरान कैसा है? ऊपर से उतरा है, आपने बयान किया, आपने आगे बयान किया, आपने अब बयान किया, तो आप बयान करें, मैं आप पर कैसे एतमाद कर रहा हूं? मुझे कैसे एतमाद हो कि अल्लाह ने तो नहीं कहा ना मुझे ये कुरान ले लीजिए। शख्सियात पर सीने बसीना एतमाद है। अगर मैं आपके सकाहत के बावजूद भी आपको झूठा करार दे दूं तो दीन खत्म हो गया, दीन खत्म हो गया। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم। पीछे बात हुई थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला दो अगर तुम अपने माबूदों की मदद कर सकते हो। कितना मिस्कीनी वाला जुमला है ना, अगर अपने माबूदों की मदद कर सकते हो, माबूदों की मदद, मदद कौन करता है? माबूद। किसकी? आबिद की। यहां क्या हो रहा है? यहां आबिद माबूद की मदद कर रहा है, सुभान अल्लाह। तो अब क्या हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने का मंसूबा तैयार हो गया। ठीक है, क्या क्या कहा? जलाने का मंसूबा तैयार हो गया। बहुत बड़ी आग जलाई गई, बहुत बड़ी आग जलाई गई। उस आग में डायरेक्ट नहीं फेंक सकते थे, बल्कि एक मिंजनीक के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया और उसके बाद फिर उसको चलाकर आग में फेंका गया। आग अल्लाह की मखलूक है और उस मखलूक में अल्लाह की मखलूक को डाला जा रहा है। तो हमने कहा या नारू ए आग, आयत नंबर 69 है। हमने कहा ए आग कोई बर्दन ठंडी हो जा, वसलामन सलामती वाली हो जा, अला इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। सलाम का लफ्ज क्यों कहा? इसलिए कि बाज ठंडक भी तकलीफदेह होती है और हमारे सामने है पहले में क्या हो गया था, बहुत सारे लोग मर गए, तो कभी ठंडक भी मौत का सबब बन जाती है। इसलिए कहा ऐसी ठंडक हो जो सलामती वाली हो, उसमें तकलीफ ना हो।
इसका माना इस आयत पर अगर आप गौर करें, सिर्फ इस आयत को पढ़कर भी, इस आयत को पढ़कर भी अगर आपका अल्लाह ताला से तवक्कुल का आलम यह है, तो फिर जिस चीज से आपको अजाब दिया जा रहा है, अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है, अल्लाह उसी चीज को आपकी वफादारी में लगा देगा। सामने वाला क्या कर रहा है? आपको तकलीफ दे रहा है, और अगर आप अल्लाह पर तवक्कुल कर रहे हैं तो अल्लाह उसी चीज को आपके लिए राहत का सबब बना देगा। उनके नजदीक आग क्या थी? सजा। आपने अल्लाह पर तवक्कुल किया, क्या कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हदीस में, क्या लफ्ज आता? हस्बुनल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था, अल्फाज क्या थे? हस्बुनल्लाह व नियमल वकील। और फिर अल्लाह कैसे वकील बना? कुल्ला या नारु कूनी बर्दन व सलामन। ये तो कुरान करीम के अंदर कई सारे वाक्यात हैं जो अल्लाह ताला का अपने बंदों के साथ रहमत का मामला, अल्लाह ताला का अपने बंदों के साथ मोहब्बत का मामला, और जब बंदा तवक्कुल करता है तो अल्लाह ताला उस पर यानी किस तरह मेहरबान होता है, ये जा बजा मौजूद है कुरान करीम में। नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे, कौन मजाक उड़ाती थी? पानी है नहीं, ये एक खुश्की पर कश्ती चला रहे हैं जी, मजाक। जो भी गुजरता मजाक उड़ाता, जो भी गुजरता मजाक उड़ाता। फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह ने उसी कश्ती को रहमत का जरिया बनाया। अब मजाक उड़ाने वाले भी तमन्ना कर रहे हैं उस कश्ती में आने की। निजात का जरिया वो कश्ती बन गई जिसका मजाक उड़ाया जाता था, और फिर जिस पानी के ना होने का वो इस्तेहजा करते हुए अदाब का सबब बन गया। ये बर्दन मसलाम, इस पर जबर क्यों आ रही है? जी काना की खबर है। इसम कौन सा है? इसम कौन सा है? जी कौन सा मौसम? नहीं, कोनी का माना क्या है? जी हो जाओ। कौन? आप यानी आग। कूनी तू हो जा, तो इसमें अमर की अंति जमीर है। इसमें क्या जमीर है? अंति, तू हो जा, वो इसका इसम है। वह अरादू बिही कैदन, और उन्होंने इरादा किया, चाहा बिही उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, कई दम फरेब मकर चाल का, उन्होंने इरादा किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कई दम बुराई का, फरेब का, चाल का, मकर का, सब कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता फजअलनाहुमुल अक्सरीन, हमने उन्हें कर दिया नाकाम, बहुत खसारा पाने वाला, हमने उन्हें कर दिया अक्सरीन, बहुत खसारा पाने वाले यानी नाकाम। अक्सरीन कौन सा सा? अक्सरीन अल अक्सरीन तफजील, तफजील इसम तफजील, इसम तफजील है, और ये मफूल बन रहा है ना इसका, फजालना होम का मफूल आसानी। वही बात इहफज़िल्लाह यहफज़का, इहफज़िल्लाह यहफज़का, इहफज़िल्लाह तजीदु तुजाहक, अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर लो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर लो, अल्लाह की रहमतों को अपने सामने पाओगे। ये सामने पाया, पूरी कौम चाले चल रही है एक बंदे के खिलाफ, वो एक बंदा अल्लाह के साथ है तो अल्लाह उसके साथ है। वल्लाहु कैसे आयत, इन्नल्लाह मा अल्लज़ीनत्तकौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, जो अल्लाह के साथ डर और तकवा वाला ताल्लुक रखते हैं और नेकी का रास्ता इख्तियार करते हैं, अल्लाह इन्हीं के साथ तो है।
इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। इन्नल्लाह लमा मुहसिनीन, अल्लाह मुहसिनीन के साथ है। वो कैसे साथ है उसकी ये मिसाल है। लेकिन इसके लिए जरूरी है दो दो खूबियां बंदे के अंदर हो। एक खूबी ये है कि वो अपने किरदार के एतबार से भी वो हक का दाई हो और अपनी गुफ्तार के एतबार से भी हो। किरदार और गुफ्तार, आपका किरदार भी हक का दाई हो और आपकी गुफ्तार भी हक का दाई वाली हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अमलन भी तौहीद को इख्तियार किया और कौम के सामने ऐसे सबूत रखे तौहीद के लाजवाब कर दिया। नमरूद के बारे में आते हैं ना, उसने कहा कि तुम्हारा अल्लाह मौत और हयात का मालिक है, तो इसमें क्या कमाल है, मैं भी तो मारता जिंदा हूं, जिसको फांसी देनी तो उसको छोड़ दिया, जिसको छोड़ना था उसको मार दिया, और बताओ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अहमक है, ये ऐसा नहीं समझेगा, इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं। सूर्य यहां से निकलता है ना, यहां गुरूब होता है, तू यहां से निकाल कर यहां गुरूब कर चल। क्या भाई फबूही तल्लवी कफर, बहुत सारे तर्जमे इसके बहुत सारे अंदाज में हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ने बहुत सारे अंदाज से किए, तो हम सीधे सी बात करते हैं, हक्का बक्का हो गया यानी लाजवाब हो गया वो। इस तरह तौहीद की खिदमत ऐसे होनी चाहिए कि तौहीद के दलायल आप ऐसे दें कि मुशरिक लाजवाब हो जाए। अब अल्लाह की रहमत के दीगर मज़ाहिर, वनजैनाहु वलूतन, हमने इसे बचा लिया वलूतन और लूत अलैहिस्सलाम को भी बचाकर हमने इनको कहां भेजा, इलल अर्विल्लती, उस सरजमीन की तरफ, अल्लती बारकना फिया, जिसमें हमने बरकतें रखी थी, जिसको हमने बाबरकत बनाया था। हमने इन्हें भी निजात दे दी, लूत अलैहिस्सलाम को भी निजात दे दी और उनको ले आए ऐसी सरजमीन की तरफ जिसको जिसमें हमने बरकतें रखी थी। लिल आलमीन, किसके लिए, जहान वालों के लिए। आलमीन कौन सा सीखा है, आलमीन अभी मेरे ख्याल में एक हफ्ता में नहीं गुजरा, इसको बताया था मैंने। अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या हो गया, हद हो गई है। हाँ तो देख लिया ना बाबर, इसम आला है, इसम आला है, बमाना निअलमन, जानने का आला। एक तो ये बात है कि अल्लाह ताला ने इनको यहां से दूसरे मुल्क की तरफ भेज दिया, वो मुल्क है शाम, बाज़ फलस्तीन का, फलस्तीन और शाम की सरजमीन पर भेज दिया इनको, क्योंकि शाम और फलस्तीन की सरजमीन दो एतबार से बहुत ही अजीम है। एक है अल्लाह ताला ने बड़ा सरखेज, उसको सरसब्ज शादा बनाया, उसको बड़ा जरखेज, एक है जरखेज और दूसरा अंबिया का मस्कन है, वो कई अंबिया है वहां पर। अच्छा, उसकी कोई नस्म तादाद नहीं है, बाज ने 20,000 कहा, बाज ने फला कहा, बाज ने बाइबल के हवाले देकर कहा इतने, तो ये कोई मुसल्लम बात नहीं है। बाकी ये कि कसीर अंबिया का मस्कन रहा है, लूत अलैहिस्सलाम क्या लगते थे, इनके भतीजे लगते थे, वो ईमान लाने वालों में से थे। इन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके करीब एक सरजमीन पर जिसको सदूम कहा जाता है, तो उस एरिया में इनको नबी बनाकर भेजा हुआ था। अब उनको भी सताया जा रहा था, उनको भी आजमाइश में डाला हुआ था, इधर इब्राहिम इस्लाम की आजमाइश हो रही है, तो अल्लाह ताला ने दोनों को यहां से निकालकर शाम की तरफ रवाना फरमा दिया। तो अगर आप कि अल्लाह ताला भी बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा आजमाइश में नहीं डालता, जब अल्लाह ये जानता है कि इस बंदे में ताकत कितनी है तो ताकत के बकाबले आजमाता है,
और जब आपकी आजमाइश पूरी हो जाती है और आप जितना इस आजमाइश पर पूरा उतरना था उतर चुके हैं, फिर अल्लाह ताला आसानियां भी लाता है। फैन माल उसरी युसरा, मुश्किलात के बाद आसानियां भी, फिर अल्लाह ताला यहां से निकालकर ऐसी सरजमीन में ले आया जहां पर आसानियां थी इनके लिए, इसके मुकाबले में आसानियां थी। मक्का से निकाला, मदीना में ले आए, और मदीना में मक्का के मुकाबले में 13 साल का मुश्किल दौर था, उसके बाद अल्लाह ने आसानियां फरमा दी। इन 10 सालों में वो कुछ हासिल हुआ जो 13 सालों में हासिल ना हो सका। लेकिन यहां बात एक और जहन में रहे कि नबी की वो जो खिदमत है ना मुश्किल दौर में, उसको कभी नाम ना दे कि वो नाकाम जिंदगी थी। इंसान की कामयाबी के पीछे उसकी मुश्किलात होती हैं। ऐसे नहीं है कि आप आसानी में, आपके जो मुश्किलात हैं दर हकीकत वो सबब बनती है आपकी कामयाबी का। अगर आप मुश्किलात के अंदर इस्तेकामत पर, सबर पर और अपने मिशन के साथ मुखलिस रहे, तो अब आपके बाद ऐसा दौर शुरू होगा जो आसानी वाला है, और ये जो पौधा लगाया था अब इसके समरात आपको नजर आएंगे। कुछ लोग तबसरा करते हैं नबी इस्लाम की मक्की जिंदगी पर, नाकामियों के बाद, अलियाज बिल्ला, नाकामियों के बाद जब मदीना पहुंचे, आपने तलवार उठाई, उसके बाद कामयाबी है, कामयाबियां मिले। वो दौर जो नाकामी का था उसका इजाला मदीनी दौर में आपने कर दिया। तो ये तबसरा एक नबी के ताल्लुक से इंतहाई ज्यादा नाजेबा है। बिल्कुल, वही आपके लिए सबसे ज्यादा आपके लिए कारगर वही साबित हो। कहते हैं ना, जो मुश्किलात से और परेशानियों से निकल कर आया हुआ होता है ना, वो असल इस्तकामत का पहाड़ होता है। तो जो वो काम कर सकता है वो नहीं कर सकता जिसने कभी मुश्किल देखी ना हो। वो तो छोटी बात पर घबरा जाता है। वो तो जैसे कुरान में ये जिक्र हुआ है ना, हासिब अन्नास अय्युतरक युकुल आमन वहम ला युफ्तनून। लोग क्या कहते हैं, ईमान लाने के बाद हम ऐसे जन्नत में चले जाएंगे, हमें आजमाइश में नहीं डाला जाएगा। आजमाइश तो आएगी, ऐसे कैसे हो सकता है आजमाइश ना आए। इसलिए मुश्किल में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। और वो सही वक्त कौन सा होता है, वो अल्लाह ने आपके लिए रखा होता है, उसका इल्म आपको नहीं होता। मुझे नहीं पता मेरा सही वक्त कौन सा है, मेरा सही मकाम कौन सा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको किसी, आपके इखलास, आपकी मेहनत, आपकी इस्तकामत, आपका सबर, उसकी वजह से आप पर वो वक्त भी लाता है, वो चीज भी लाता है, और आपको उस मकाम पर फाइज कर देता है जिसके आप अहल होते हैं। लेकिन उसके पीछे इस्तकामत, सबर और मेहनत होती है। अब ये इनामात शुरू हो गए, आपको ठंडा किया। देखिए, इससे पहले मुश्किल थी जो शुरू हुई थी घर से, घर से, कौम से, बादशाह से, सारी मुश्किलात का दौर था। ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह फरमाता है कि हमने बड़ा आजमाया और सारे इम्तिहान में कामयाब। और अब ये सिलसिला है इनामात का, आग को ठंडा किया मुल्क शाम में। अब वहबना लहु इसहाक, हमने क्या दिया इनको, इसहाक अलैहिस्सलाम अता कर दिए। भाई याकूब नाफिला, और याकूब भी दे दिया नाफिला, 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 नफिल किसको कहते हैं, जायद। इनको नफिल क्यों कहा, इन्होंने औलाद मांगी थी, हमने औलाद भी दे दी, पोता भी दे दिया, यानी पोते की बशारत भी दे दी कि तुम बेटा मांग रहे हो, बेटा भी मिलेगा और पोते की बशारत भी ले लो। आपकी मेहनत का सिर्फ आपकी औलाद तक जाता है। अगर आपने वाकईतन जुर्रतमंदी के साथ, इस्तकामत के साथ, सबर के साथ एक पहाड़ को बर्दाश्त किया होता है, तो फिर इसका समर आपकी औलाद भी चखती है। बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक सिलसिला है। और इसके बाद फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं में से हैं। तो ये क्या है, इनामात की बारिश है, उसके पीछे कुर्बानियां थी। अंबिया की सीरत और उन पर ईमान लाने वालों की सीरत पढ़ने के बाद एक और चीज सामने आती है, वो ये है कि
कुर्बानी भी अहले तौहीद देते हैं और इमाम इनाम के हकदार भी अहले तौहीद लेते हैं। ना कुर्बानी अहले तौहीद के अलावा कोई दे सकता है और ना इनाम का कोई हकदार अहले तौहीद के अलावा। किसी की कुर्बानी कबूल कहां होती है? और जितने खुले में खुला लफ्ज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद को अल्लाह ने बयान किया है बहुत ही वाज़ह है, मा काना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। वकुल्लन जअलना सालिहीन, और हमने बनाया है हर एक को सालिह, हमने बनाया हर एक को सालिह। इसहाक अलैहिस्सलाम भी सालिह थे, याकूब अलैहिस्सलाम भी सालिह थे, इनके बेटे भी सालिह थे। तो ये नाफिला किसको कहते हैं? इजाफी चीज को, क्योंकि मांगा क्या था? बेटा, तो हमने बगैर दुआ के इनको पोता भी दे दिया। वजअलनाहुम आइम्मा, इनामात जारी हैं अहले तौहीद पर, हमने इन्हें बनाया आइम्मतन पेशवा। आइम्मा किसकी जमा है? आइम्मा किसकी जमा है? इमाम की जमा, इमाम की। हमने इनको पेशवा बनाया। यहदूना बि अम्रिना, वो रहनुमाई करते थे हमारे हुक्म से, हमारे हुक्म से। ये मुन्नम अलैहिम, जो लोग इनाम के हकदार बनते हैं ना, उसका खासा यही है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। मिन अम्रिना, हमारा जो अमर होता है ना, उसी हमर अमर की जो मुआफकत में और उसी के मातहत और उसी की जेरे जो कह सकते हैं, कियादत कह सकते हैं, वो आगे बात को पहुंचाते हैं। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं होता उनका, बल्कि अपनी तरफ से अगर कोई कह सकता होता तो कौन होता? अगर किसी को अपनी तरफ से, अमर का मतलब है अल्लाह का दीन, ठीक है, अमर से मुराद क्या है? अल्लाह का दीन। तो अल्लाह का जो दीन है, अल्लाह का जो फैसला है, अल्लाह का जो कानून है, इसमें अगर अपनी मर्जी से कोई कह सकता होता तो कौन होता? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम। लेकिन आप पढ़े तो सही कुरान करीम का ये मकाम, वलौ तकव्वल अलैना बादा काबिल ला खदना मिनहु बिलयमीन, अगर अपनी तरफ से हमारी तरफ कोई बात मंसूब करते तो हम उनकी शारक से दाहिने हाथ से पकड़ लेते उनको और हम काट डालते उनकी शारक को। और यहां देखें, जिसका मुंह खोलता है अपनी मर्जी से जो चाहता है दीन के बारे में कह देता है। दीन के बारे में ये मामला इतना हसास है कि अगर आप बात करेंगे बतौर दीन के तो शरीयत बयान कर रहे हैं आप, और अगर वो गलत बयान कर दी तो इसका मतलब है आप अशारे बनने की कोशिश कर रहे हैं, और अशारे बनने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है और रसूल अल्लाह के पास भी नहीं। सीट आपको मिली क्या और आप शुरू हो गए और बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। किस जगह बोलना है, क्या बोलना है, किस रफ्तार में बोलना है, कहां बस करना है, आप चुप नहीं कर रहे। तो ये दीन का मामला बड़ा हसास है, इसलिए कुरान और हदीस में दो चीजें ऐसी हैं जिसको अल्लाह ने शिर्क के साथ जिक्र किया है। शिर्क के साथ, शिर्क जैसा कबीरा गुना, अंतकून अल्लाह माला ताला बोन, वो कि तुम अल्लाह की तरफ वो बात मंसूब कर दो जो तुम जानते ही नहीं हो। और दूसरा, अल्लाह के रसूल ने अपने बारे में क्या कहा? मन तकव्वल अलैया मा लम अकुल फलयतबव्वा मक्कतन मिनन नार, जिसने मेरी तरफ वो बात मंसूब की जो मैंने नहीं कही, वो दुनिया में ही समझ ले वो जहन्नमी है। क्यों? इसलिए कि आप दीन बयान कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल की तरफ बात मंसूब करने का मतलब आप दीन बयान कर रहे हैं, और दीन बयान करना अगर झूठी रिवायत झूठी बात से करेंगे तो ये बात समझ लें अपनी आखिर बर्बाद कर दी आपने। और हमने इस मामले को बड़ा आसान लिया है, बड़ा आसान। अक्सर वो नौजवान हमारे ना बड़े पुरजोश हो जाते हैं, ये पोस्टे शेयर कर रहे हैं, ये जुमे की मुबारक, ये जी फला की मुबारक, ये जी फला की मुबारक, दुरूद भेजने के मंसूबे हो रहे थे, 1 करोड़ दुरूद भेजना हमने। एक ने पोस्ट लगाई हुई थी, जुमे के दिन जहन्नम की आग ही नहीं जलती, बंद होती है, बिल्कुल ठंडी होती है, लिहाजा जुमे के दिन चूंकि आग बंद होती है, लिहाजा जुमे के दिन की मुबारकबाद देना जायज है, सवाब है इसका। फिर मौजू मन घट रिवायत, जो हदीस ही नहीं होती है, लिखा क्या होता है? बुखारी में मौजूद है,
हदीस ही मौजूद नहीं होती, लिखा था मुस्लिम में मौजूद है। उनको पता है बुखारी मुस्लिम का हवाला देने का मतलब आंख बंद करके कबूल कर लेंगे। और आपको बड़ी अच्छी लगी कहानी और आपने आगे शेयर कर दी बिना तहकीक के, जुर्म बन गया, तावन कर दिया आपने। और ये सिलसिला आम है, आम है। अक्सर बैठे हुए होते हैं और मैं किस्सा बयान करता हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे तस्सी कर दीजिएगा, पहले पूछ लीजिए सही है या नहीं। किस्सा बयान करने के बाद मैंने सही कहा या गलत कहा, बाद में तस्दीक कर रहे होते हैं। है मजे का किस्सा, तो मजे आप ले रहे हैं भाई, लेकिन इस मजे से आखिरत बर्बाद कर रहे हैं अपने और दूसरों की। मौजूद मनगढ़ रिवायत। अब अक्सर तफासीर ऐसी है जिन तफासीर को लोग पढ़ते हैं लेकिन उसके अंदर हवाले क्या होते हैं इसराइली रिवायात के, बाइबल का हवाला आ गया, इसराइली रिवायात, मनगढ़ंत बातें होती हैं, बेसनद बातें होती हैं। अब उनको पढ़कर हम मजा तो आ रहा होता है, कितने अच्छे अच्छे वाकयात है। अब होता क्या, अब तफसीर तबरी है, इमाम तबरी तफसीर तबरी बड़ी मुफस्सल है, इसराइली रिवायत की भरमार है। अब होता क्या उसमें भाई, असहाब काफ के कुत्ते का कलर कैसा था, अब आपने क्या करना है कलर भी उसका, वो कद कितना था उसका, इस तरह की बेसनद बातें। अब आप वो पढ़ेंगे लुत्फानंदोज होंगे लेकिन वो चीज मनसूस वाली नहीं है, सिर्फ हसास मामला है, इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाली बात है। दुरूद पढ़ना जुमे को फजीलत है, बहुत फजीलत है, लेकिन उसकी तादाद फिक्स कर दें आप, 1 करोड़ दूध भेजना है हमने, और इस्तेमाई दुरूद नहीं होता, इनफरादी होता है, और बताने की जरूरत होती है, मैंने 100 दफा पढ़ना, आप भी 100 दफा पढ़े, जिसने कह दिया भाई आप पढ़े, बताने की क्या जरूरत है। मैंने आज प्रोग्राम बनाया 1000 दफा पढ़ने का, तो आप अपना प्रोग्राम हमारे साथ क्यों शेयर कर रहे हैं भाई, पढ़े। अमल को बयान किया जाता है, आपने इतनी दफा जिक्र किया तो जिक्र करने के बाद जिक्र का जनाजा निकाल दिया बताकर मैंने 1000 दफा अस्तगफिरुल्लाह कर लिया माशाल्लाह। तो इससे बेहतर था 1 दफा कर लेते हैं आप और बताते ना किसी को, 1000 दफा बताकर वो 1 दफा ज्यादा बेहतर जो आपने ना बताया हो। वैसी आदत बन चुकी है बड़ी सी तस्वीर पकड़कर घुमाने की ताकि लोग पता चले माशाल्लाह तस्वीर वाला बंदा है ये, बस बातें भी कर रहे होते हैं, निस्वार भी लगा रहे होते हैं और इसमें डिजिटल भी पकड़ी होती है, घुमा रहे होते हैं, हमारा दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो दिल में आला नसीब कर लो भाई, हाथ में क्यों किया हुआ। अमर, इस आयत में जो अमर आया ना, कुरान करीम और हदीस में लफ्ज अमर बहुत आया है, बहुत आया। فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, अल्लाह के अमर की मुखालफत करने वालों को डर जाना चाहिए। इस अमर से क्या मुराद है, दीन इस्लाम है, अल्लाह का कानून है, इस कानून को पकड़ लें, इस कानून की मुखालफत ना करें। फिर वो ताइफा मंसूरा के बारे में कहा गया है कि वो अल्लाह के अमर के साथ कायम रहेंगी हत्ता के क्यामत कायम हो जाएगी। अमर जी, तस्बीह की मकदार जो जो तस्बीह शरीयत ने बता दी है ना, उसकी मकदार पूरी करें। मसलन सुभान अल्लाह वबी हमदी 100 दफा पढ़ें, ये कहा गया। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, इसकी तादाद बयान कर दी गई है। जिसकी शरीयत ने तादाद नहीं बयान की ना, फिर तादाद फिक्स ना करें, फिर आप यूं पढ़ते चले जाए ना, फिर आपको गिनने की जरूरत है कितनी दफा पढ़ा। जिन चीजों की तादाद को शरीयत ने बताया है वो तादाद पूरी करें आप, और जिनको कहा कसरत से पढ़े फिर उसकी तादाद गिने ना आप, फिर छोड़ दें इसको। इंडिया में हिजाब को बंद किया जा रहा, नहीं नहीं मैं शागिर्द हूं, ठीक है। अच्छा बाकी रहा, हाँ पर्दे के मामले के बारे में आपने पूछा, इंडिया में जो किस वो मामला हुआ है, एक गैरतमंद
बहन ने जो एक मुजाहरा की है हिजाब के हवाले से, उस पर हमारे यहाँ जो कुछ खवातीन एंकर हैं बड़ा अच्छा तबसरा कर रहे हैं, लेकिन तबसरा करते वक्त उनको ये शर्म नहीं आ रही है कि खुद बेलिबास है, वो खुद पर्दा नहीं है, और तारीफ क्या हो रही है, कमाल कर दिया। यानी आप में और उनमें क्या फर्क है, वो जो पर्दे के खिलाफ है वो है कौलन खिलाफ, अमलन कौलन, और आप अमलन है, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि कुफार के बीच में एक मुस्लिम खातून ने पर्दे की हिफाजत और उसके लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। तो हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ऐसी रियासत मिली हुई है जिनमें हमें पूरी आजादी है पर्दा करने की, और फिर भी हम बेपर्दा। सोशल मीडिया पर एक और जो तस्वीर वायरल हुई जिसमें एक मुस्लिम खातून एक मुसलमान होने वाली या गैर मुस्लिम किसी को इस्लामी लिबास पहना रही है और खुद का लिबास जो है कौन सा पैंट शर्ट पहनी हुई है, और उसको क्या पहना रही है, इस्लामी लिबास, चराग के नीचे अंधेरा। जी जी इंशाल्लाह बिल्कुल, अल्लाह ने इस दीन को गालिब करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले जीत गए थे, अल्लाह के साथ वफादारी थी, आप अकेले क्यों ना हो लेकिन अगर अल्लाह से मुखलिस हो जाए जीत आपकी है। वजअल्लाहु आइम्मा, हमने इनको पेशवा बनाया, यहदून बि अमरिना, वो रहनुमाई करते थे हमारे अमर से, वअवहैना इलैहिम, और हमने उन्हें वही भेजी, हमने उन्हें वही भेजी, फ़िअल खैरात, किसकी, नेक काम करने की, भलाई के काम करने की, फेल का नहीं काम, खैरात यानी भलाई, हमने उन्हें वही भेजी फेल के काम करने की यानी खैर के काम करने की, और वह इकाम सला, और हमने क्या पैगाम भेजा, नमाज कायम करनी है, अच्छे काम करने हैं, नमाज कायम करनी है, वह ईता जका, जकात देनी है, वह कानून ना आबिदीन, और वो थे हमारी इबादत करने वाले। ये होता लीडर, कायद कैसा होता है, ये कायद की सिफात बयान हुई है, इसको इमाम कह सकते हैं आप, कौन, जो क्या करता हो, जो भलाई के काम करता हो, नमाज की इकामत करता हो, जकात का इनेकाद करता हो, और फिर अल्लाह की बंदगी करता हो, ये अल्लाह की बंदगी है। ये हम कुछ भी नहीं करते और फिर भी क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं करते और फिर भी कहते हैं कि लीडर तो हम है ना, रियासत मदीना बनाकर छोड़ेंगे, और काम नमाज भी देख कर ये कैसे हाथ कैसे बांध रहा है, और फिर रुकू में जाने से पहले हाथ कहां रखे हुए उसने, ये हमारी क्यादत करेंगे जिनको नमाज पढ़ना नहीं आती। यानी इन लीडरों को अगर हम देखें तो अगर किसी जगह नमाज में उनको खड़ा कर दिया जाए तो एक दूसरे को रुकू देखकर, एक दूसरे को देखकर सजदा कर रहे होते हैं, सलाम फेरने से पहले भी डर रहे होते, उसने सलाम फेरा या नहीं फेरा, ये हालत है इनकी। बलूतन और लूत अलैहिस्सलाम, नहीं मैं इशारा नहीं दे रहा, मैं वाजे बात कर रहा हूं उमूमी। शरीयत बिल्कुल बिल्कुल अमर है, मिन जाने बिल्ला हुज्जत। वलूतन आतेना व हुक्म व इल्म, लूत अलैहिस्सलाम को हमने दिया हुक्म और इल्म, हुक्म और इल्म, फैसला की कुवत और क्या करना है उसके लिए सही इल्म हमने वता कर दिया। वनजैनाहु मिनल करियति लती, और हमने उनको निजात दी उस बस्ती से जो के थी तामलुल खबाइस, गंदे काम करने वाली।
मैं उनके खिलाफ नहीं, मैं उन सब के खिलाफ हूं, मैं उन सब के खिलाफ हूं जो रियासत का मजाक उड़ाए, नबी इस्लाम की सीरत को समझे बगैर नाम इस्तेमाल करें। आपको पता है कि जो खवारिज निकले थे उनका जुमला क्या था? क्या जुमला था? कुरान करीम की आयत इन हुक्म इल्ला लिल्ला, फिर क्या किया उन्होंने? जनाजा निकाल दिया इस्लाम का। तो जो इस तरह के बजाहिर वो ना हो, यानी कौन और फाइल में तजाद हो, तो फिर ये जो जुमले होते हैं ना, ये कौम को भुगतने पड़ते हैं, कौम को भुगतने पड़ते हैं। और जाहिर है नजर आ रहा है सारी चीजें। बस अल्लाह महफूज रखे इस रियासत को और इस्लाम को और मुसलमानों को। अच्छा, लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म दिया था, हुक्म दिया था, सलाहियत दी थी, उसके बावजूद भी दीन की खिदमत पर, तबलीग पर मसरूफ अमल रहे, लेकिन मुश्किलात से दोचार रहे। एक शख्स को सुना, अजीब बात उसने की, कुरान करीम की एक आयत को उसने कोट किया और उससे जो इस्तदलाल किया बड़ा ही बेहुदा था। उसमें तीन तबका जिक्र है ना, जालिमुल नफ्सी, मुक्तसिद और साबिकुन, एक सबकत लेने वाला ए ग्रेड और दूसरा दरमियाना बी और तीसरा जालिमुल नफ्सी सी। तो उसने कहा कि देखें, आपको ऐसा अच्छा काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो, तो समझ रहे हैं कि आप साबिकुन बिल खैरात हैं, और अगर ना कम है ना ज्यादा है तो आप मुख्तसिद हैं, और बहुत ही कम है, आप अच्छा काम भी कर रहे हैं लेकिन आपके फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे, तो आप जालिमुल नफ्स अलियाज बिल्ला। यानी आप खुद कुरान क्या कहता है, फला तुज़क्कू अन्फुसकुम, अपना तस्किया कर रहे हैं ना, और तस्किया का ये है कि आपको आपके आगे पीछे ज्यादा हो तो फिर आप माशाल्लाह मिन जानिबिल्लाह मुत्तकी के आला दर्जे पर फायज हैं। अंबिया की जमात कल क्यामत के दिन अल्लाह की अदालत में आएगी, ईमान लाने वाला एक शख्स भी नहीं होगा, आपके हिसाब से बी ग्रेड सी में चले गए वो, लेकिन अल्लाह के यहां ए में है, ए वन में है, मुमताज माशरफ है वो। और आपने पता नहीं किस सती सोच के साथ आपने ये बात कही और कुरान करीम, यानी आपकी एक सोच बन गई, सोच के हिसाब से कुरान करीम की हालत को पेश कर रहे होते हैं और निकले हैं लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। आप ये जो ट्रेनर होते हैं ना, इनको सिर्फ ट्रेन में बिठाना चाहिए, बस ट्रेन उधर ले जाओ उधर से वापस ले, बस वहां जो बैठे हैं उनको समझाते रहे, इससे ज्यादा नहीं। पापड़ बेचते हैं आकर इस तरह की आयात पढ़कर। यहां जमा खबाइस का लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह ने, खबाइस इसका मतलब है कि उनके अंदर गंभीर आदत एक नहीं थी, बेशुमार थी। और वो क्या थी? एक तो वो लिबात वाला अमल, दूसरा गली कोने में बैठकर सीटियां बजाते थे, जुमले कसते थे, आवाजें कसते थे, बेहूदा बातें। तो बेहूदगी करना या बेहूदा गुफ्तगू करना या कलाम करना, ये सारे खबाइस में से है। नजासत की दो किस्में हैं, खबासत की दो किस्में, एक है जाहिरी और एक है बातनी। दोनों को अल्लाह ने खबीस कहा है कुरान और हदीस में ना, जब आप बैतुल खला में जाएं तो क्या पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, वहां कौन है? शयातीन। और यहां खबाइस का ये क्या है? ये बातनी खराबियां, बातनी खबर। और अल्लाह ताला ने वो नजस चीजें जो ऊपर हराम की, उनको भी खबीस कहा है। मुशरी को क्यों खबीस का है, नजस का है, उसके लिए थोड़ा ज्यादा लफ्ज है, इन्नमल मुशरिकून नजसुन। ये है किरदार के नजस लोग, किरदार के, अकीदा बुरा है, किरदार का नजस है, जबान गंदी है, किरदार का नजस है, अमल गंदा है, किरदार का नजस है, ये सब खबीस लोग हैं। तो आप मुझे ये बताएं, जब गंद के पास बैठेंगे तो क्या होगा? बू आएगी। और जो कुछ थोड़ा सा नजाफत रखता है वो कभी नहीं बैठेगा। वो तो आप गटर के पास नहीं बैठते क्योंकि आपकी आदत नहीं है, बू आएगी, आप भाग जाते हैं वहां से। लेकिन गंदे लोगों के साथ बैठते हैं आप, जिस तरह जाहिरी नजासत के असरात हैं, बातनी नजासत के भी असरात हैं।
बल्कि वो ज्यादा मोहलिक है, वो खबासत मुंतकिल होगी, बिल्कुल मुंतकिल होगी। आप गटर का कीड़ा देखे आपने, बाहर मजा नहीं आता उसको, गटर में जाता खेलने लग जाता है, वो उछल कूद कर रहा होता, मजा आता। बंगी आराम से चले गए, आप हाथ भी नहीं लगा सकते, वो ऐसे डुबकियां लगा रहा होता, मजे भी ले रहा था, गोते खा रहा होता, क्यों? आदत बन चुकी है उसकी। किसी साफ तबीयत को कहें वो ढक्कन भी नहीं उठाएगा, ढक्कन भी नहीं उठाएगा। हाँ लगे उठा के रख दो, नहीं कभी भी नहीं, मर जाऊंगा मैं, क्योंकि तबीयत साफ है उसकी। बिल्कुल इसी तरह गंदे लोगों के साथ बैठकर फिर आपको ऐसी तबीयत बन जाएगी कि आपको उनके बगैर मजा नहीं आएगा। फिर आप पता क्या बोलेंगे, बोर हो गया सारा दिन बात करने वाला किसी ऐसी मजलिस में, फिर आप वहां जाएंगे ऐसा हल्ला गुल्ला, मजा आ गया आज गाली गलोच देकर, बेहूदगी बक कर, बेहूदी माहौल में बैठकर आप आज ऐसा मजा आया कि बस जमी मजलिस। क्यों? कि वो आप गंदे माहौल में रहने से आप मुतमईन हो गए। और उस नफ्स को, उस नफ्स को जो गंदगे यानी बुरे आमाल कर करके इस स्टेज पर पहुंच गया है कि मारूफ मुनकर और मुनकर उसके लिए मारूफ बन गया है, यानी बुराई से मोहब्बत और अच्छाई से नफरत। हदीस में आता है कि ये खबीस नफ्स है, खबीस नफ्स। बल्कि वो हदीस भी पढ़ी आपने जिसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, जब उठता है हदीस में आता है वो खबीस नफ्स होकर उठता है, खबीस नफ्स। खबीस नफ्स इसलिए कि उसके काम में शैतान ने पेशाब कर दिया होता है, शैतान और गिरा लगी हुई है, यहां पर जादू कर रहा है आप पर, आप जादू करवा रहे हैं और फिर कहते हैं तबीयत में कोई मजा नहीं है। तो पेशाब कान में है तो कहां से मजा आएगा? बुद्धि में तीन उससे गिराई लगाई हुई है और आपको झकड़ा हुआ है और आप कहें कि तबीयत में वो हशाशियत नहीं है, शाशियत कहां से आएगी? भी इन्नहुम कानो कौम सौ इन, थे वो बुरे लोग, फासिकीन फासिक बदकार, बदतरीन गुनागार थे वो बुरे लोग, फासिकीन गुनागार कह लें, बदकार कह लें, फिस्क फुजूर उनका क्या होगा? बिल्कुल क्या होगा उनका, क्या होगा जो नमाज ही नहीं पढ़ते? यही है वो जिनकी रूह को निकाला जाता है और मारा जाता है इनको, नफ्से अम्मारा। अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी तकलीफें। हालांकि पहले में मैंने आपसे बात की थी कि अंबिया जो है ये अल्लाह की महबूब जमात है, अल्लाह की महबूब जमात है, और अल्लाह ने अपने महबूब कानून को अपनी महबूब तरीन जमात के जरिए पहुंचाया है। और उन महबूबों की जमात में इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह, महबूब तरीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लम, दावत तौहीद बेमिसाल है। इनको तकलीफें दी जा रही हैं, अजियत दी जा रही हैं। तो हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं और हमारे सामने तकलीफ दी जा रही हो और हमारे अंदर कुदरत भी है उसको बचाने की, तो क्या ख्याल है हम क्या करेंगे? उसको तकलीफ में डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन दुनिया के लोगों के लिए आइडिया बनाने के लिए, एक मिसाल छोड़ने के लिए अल्लाह ने अपने पसंदीदा तरीन नबी को, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है या मोहम्मद सल्लम को, इस तरह की अजियत से गुजार कर हमारे लिए एक मिसाल बनाई है कि दीन की खातर कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटना। क्योंकि मेरे महबूब पैगंबर, मेरे चहेते पैगंबर, मेरे बरगजीदा पैगंबर, उसने मेरे सामने तुम्हारे दीन की खातर तकलीफें बर्दाश्त की है, और दीन की खातर, तौहीद की खातर अगर तुम्हें तकलीफ आ जाए तो घबराना नहीं, ये दीन को, दीन के लिए कुर्बानी दे देना, तुम्हारे लिए मेरा महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह काफी है आइडियल के लिए। लकद कान लकुम फी रसूल उस्वतुन हसना, हम थोड़ी सी परेशानी के लिए घबरा जाते हैं और दीन को कुर्बान कर देते हैं, रस्म को नहीं छोड़ते, दीन को कुर्बान कर देते हैं
लेकिन घर के रस्म रिवाज से बगावत नहीं करते, क्यों? इसलिए कि नाराज हो जाएंगे, अल्लाह को नाराज कर दिया। जिस नबी ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, आपको उस नबी की मेहनत का कोई पास नहीं है, और अपनी थोड़ी सी तकलीफ के लिए आपने वो रस्म रिवाज को कबूल कर लिया, और ये हर में से हर शख्स का ये मामला है। तो अदखलनाहु फी रहमतिना, हमने उनको दाखिल किया अपनी रहमत में। इन्नहु मिन अस्सालिहीन, बेशक वो नेकोकार थे। सुभान अल्लाह, ये आगे वो सिला बताया अल्लाह ने, वो बड़े ही नेकोकार थे। हमने बिलाखिर क्या किया, उनको अपनी रहमत में दाखिल कर दिया। और रहमत क्या है? फी रहमतिल्लाहि हुम फीहा खालिदून, अल्लाह की रहमत का मजहर क्या है? जन्नत, जन्नत अल्लाह के इनामात। अल्लाह ने जन्नत को भी अपनी रहमत कहा है, क्योंकि जो वहां जाएगा वो अपने अमल के बलबूते पर नहीं, वो अल्लाह की रहमत का हकदार होकर वहां जाएगा, तो वो दरहकीकत रहमत नहीं है। आगे नूर इस्लाम का बयान है, तो इंशाल्लाह वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक।